So welcome to another set of video where I will continue discussion of five more questions of IPMAT 2019. Okay, so let's start question number 26. In a class of 65 students, 40 like cricket, 25 like football and 20 like hockey. So it's a typical Venn diagram question. 10 students like both cricket and football, 8 students like football and hockey, and 5 like all the three. If all the students like at least one sport, then the number of teams who like both cricket and hockey. So we'll make a Venn diagram. उससे और अच्छे से clarity हो जाएगी इसकी. So ये हमारा दो का बन गया और ये हमारा तीन का बन गया. So इसमें I'll label it as cricket. Okay, this is my football and this is hockey. So cricket के हमें दे रखे हैं 40 people like cricket, 25 like football and 20 like hockey. Other than that, we are given 10 students like both cricket and football. So, जिसको मैं green से बता रहा हूँ, 10 students like green. ये जो मैंने area mark करा है, इस वाले area की value मुझे दे रखी है 10. Okay? 8 students like football and hockey. So, similarly, ये वाला जो area है, ये वाला area 8 है. And 5 students like all the three. So, ये बीच वाली value 5. So, simple है. अब ये पूरा 10 है तो ये क्या रिमेनिंग क्या हो, ये 5 हो गया. ये पूरा 8 है तो ये 5 प्लस 3 8 हो गया. ठीक है, एंड और कुछ नहीं दे रखा हमें. ठीक है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड हॉकी. हमें बताना है क्रिकेट एंड हॉकी, मतलब जो मैं अब रेड से मार्क कर रहा हूँ आपके सामने वो हमें बताना है. ये पूरा एरिया हमें बताना है. ठीक है, तो इसमें अभी हम देखें तो अगर मैं फुटबॉल की बात करूँ, तो फुटबॉल में मेरे को 25 में से 5-5-3 मतलब 13 का दे रखा है ब्रेकअप, तो बचा हुआ 12 क्या होंगे, ओनली फुटबॉल. और कोई हेल्प मिल सकती है मेरे को यहाँ पे? नहीं. और कोई ऐसा वेरिएबल मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को जो मुझे निकालना है, के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 5, अगर मैं इस वाले को एक्स मानता हूँ तो मुझे एक्स प्लस 5 चाहिए. ठीक है, अगर ये वाला जो एक्स है तो ये वाला जो मैंने मार्क कर रहा हूँ ये वाला रीजन कितना होगा? ठीक है, ये वाला रीजन में से 40 टोटल है, 40 में से 10 गया 30 और ये x है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स. ओके, एंड ये वाला पूरा मेरा हॉकी पूरा मेरा 20 है और 20 में से 8 गया 12, तो ये मेरा क्या हो गया 12 माइनस एक्स. ओके, सो मेरे पास सबका मेरे पास ब्रेकअप है कि कौन सा वेरिएबल क्या है, ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी, ओनली फुटबॉल, इन सब क्या है मेरे पास ब्रेकअप. सो और एक चीज और दे रखी है, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, मतलब ये टोटल 65 स्टूडेंट्स है. और एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट दे रखी है, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट. एटलीस्ट वन स्पोर्ट का मीनिंग क्या है कि नन जीरो है, मतलब इन सब सारी फिगर्स का टोटल 65 है. तो इन सब टोटल्स का, इन सब का टोटल करने का सबसे इजी तरीका क्या है? सबसे पहले ये क्रिकेट वाला देखो, ये जो पूरा क्रिकेट वाला सर्कल है, इस पूरे क्रिकेट वाले सर्कल का सम क्या है? 40. 40 के अलावा तीन वैल्यूज बची, ये वाली और ये वाली, बस इनको ऐड कर दो. 40 प्लस 12 52, प्लस 3 55, 55 प्लस 12 67. तो 67 माइनस एक्स किसके बराबर है? टोटल 65. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2. सो द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, आंसर हो गया 2. तो हमें निकालना क्या था, लेकिन x प्लस 5 हमें निकालना था, x प्लस 5. तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस 5 व्हिच इज नथिंग बट 7, एंड ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, एनी फॉर एनी डाउट्स पोस्ट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. So this is the question 27. In question 27 we are given, if x belongs to a comma b, satisfies this inequality, x minus 3 upon x square plus 3x plus 2 is greater than equal to 1, then the largest possible value of b minus a. Okay. So b minus a, मतलब a comma b जो है question के according, ये जो पूरी inequality है, इसमें x की कुछ upper limit आएगी, कुछ लोअर लिमिट आएगी मतलब, और कुछ अपर लिमिट आएगी. तो लोअर लिमिट को इसने ए बोला, अपर लिमिट को बी बोला एक्स की, तो मुझे बी माइनस ए बता. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जब भी आए तो आप
तो आप एक साइड पे हमेशा जीरो छोड़ो, तभी आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होते। इसको अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 > 0। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x-3 - x²-3x - 2 / x²+3x + 2 > 0। ओके, सो इसको अगर फर्दर में देखें तो फर्दर ही क्या बनेगा, -x², सो -2x, और ये हमारा क्या बन जाएगा, -2, तो हम -x² तो यहाँ से था -3x + x हमने करा, -2x आ गया, और ये हमारा -2 और ये हमारा -3, तो ये हो गया हमारा -5। और नीचे वाला हमारा क्या है, x² + 3x + 2। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है अभी तक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, >= 0 होगी। ऑलराइट, अब अगर इसको नीचे वाले को ऊपर अगर मैं न्यूमरेटर देखूं, x² + 2x + 5। ऑलराइट, और नीचे वाली फिगर है, नीचे वाली फिगर जो x² + 3x + 2 है, ये x+1 * x + 2 है, >= 0। अब अगर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अब हमसे इस वाले पूरे एक्सप्रेशन की हमसे पूछी गई है >x की क्या पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, अब अगर मैं न्यूमरेटर देखूं, -x² + 2x + 5 है। ठीक है, अब अगर मैं माइनस के अंदर जो फिगर है उसको अलग से देखूं एक बार, x² + 2x + 5, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करूं, x² + 2x + 1 + 4, तो ये x+1 का होल स्क्वायर +4 है कि नहीं। ठीक है, सो ये वाली जो वैल्यू ओवरऑल है जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखी है, x+1 का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की टर्म की क्या हो सकती है, 0। तो x+1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में +4 कर रहे हो तो ये वाली फिगर तो हमेशा >= 0 होगी। ठीक है, हमेशा >= 0, और मिनिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 4 होगी, क्योंकि इसकी 0 होगी और इसकी 4 होगी, मिनिमम वैल्यू हमेशा इसकी 4 होगी। तो इसका मीनिंग है कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन की बात करूं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन, ऊपर वाले में मैंने ब्रैकेट के अंदर की बात करी थी, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमेशा 4 होगी, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ये -4 होगा। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, अगर मैं इसे देख रहा हूँ, बात करूँ कि एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या हो सकती है, तो ऊपर वाला तो हमेशा मुझे -4 दे सकता है मैक्सिमम, है ना, -4 देगा। और नीचे वाले एक्सप्रेशन में अगर मुझे इसको x+1 x+2 इस पूरे को मुझे अगर >= 0 रखना है, तो नीचे वाली अगर ऊपर वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म अगर नेगेटिव है तो नीचे वाली टर्म भी तो नेगेटिव होगी, तभी तो मेरा पॉजिटिव निकल कर आएगा आंसर। अगर मुझे ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है तो नीचे वाली टर्म भी नेगेटिव होनी चाहिए अगर ऊपर वाली टर्म नेगेटिव है। ठीक है, ये माइनस सबको क्लियर है ना, क्योंकि माइनस का साइन बाहर था इसलिए माइनस मैंने -4 कर दिया। अब x+1 x+2 को अगर हम देखें, यहाँ साइड में देखिए, अब x+1 और x+2 है, तो x+1 x+2 का इनमें x की क्या वैसी वैल्यू डालूं कि वो मेरे को हमेशा नेगेटिव दे, बताइए। अगर वो वैल्यू मेरी -2 और -1 के बीच में हो, आप इसको प्लॉट भी करके देख सकते हैं, जब भी ऐसे एग्जांपल आए आप तो हमेशा उसको प्लॉट करिए, ये -2 यहाँ पर आएगा, -1 यहाँ पर आएगा। अगर आप इसके बाद ही कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 0 + 1 0 + 2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, नीचे नेगेटिव चाहिए था, तो इसीलिए अगर मैं इस इंटरवल में चेक करूंगा तो -2, -1 आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि मेरी a, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, -1। अंडरस्टूड, और मुझसे क्वेश्चन में पूछा है b - a विच इज नथिंग बट -1 ऑफ एंड माइनस ऑफ -2 विच इज 2 - 1, 2 - 1 = 1, सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। सो आई होप द क्वेश्चन वॉज क्लियर। ओके, let's move on to the next question, question number 28, which is again a very good question.
क्वेश्चन नंबर 28 में ए और बी ऑप्शन ये है, सी और सी और डी ए और बी ऑप्शन ये है हमारे, और सी और डी हमारे ऑप्शन ये है. ओके, सो इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड वी आर गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैन टेक इज, मतलब इसकी अप्पर लिमिट और लोअर लिमिट पूछिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको एलजेब्रा में एक रूल होता है कि वेन सम ऑफ टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, वेन सम ऑफ टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, then the product of terms is maximum, then the product of terms is maximum when the terms are equal, when terms are equal. इसका इसको इस इक्वेशन में कैसे करेंगे, और बाय द वे आप इसको इस जो मैंने आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी है, इस प्रॉपर्टी को आप कहीं नोट भी करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको बहुत काम आएगी. ओके, सो इस क्वेश्चन में भी अगर वन एक कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो मतलब अगर मुझे इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं बराबर रख दूंगा, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर रख देते हैं, और तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3. अगर इसमें मुझे इस वाली प्रॉपर्टी का यूज मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. अभी मिनिमम के लिए मैं देखूंगा कुछ और, लेकिन ये चीज हम जो कर रहे हैं ये मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं, हमने यहाँ पे मैक्सिमम की बात करी है. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1/3 के बराबर आ गया. ठीक है, तो ए बी सी का मतलब ए बी सी भी बराबर है आपस में, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू. सो ए बी क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, बी सी क्या बन गया, बी सी भी ए स्क्वायर बन गया, और सी ए क्या बन गया, वो भी ए स्क्वायर बन गया, क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर है, ये क्या बन गया, 3a² बन गया. सो और यहाँ से अगर इस इक्वेशन को देखें, सो यहाँ पे हमने 3a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. सो इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1. ये जो भी एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1. सो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, सी और डी में से अभी हमें डाउट है कौन सा है, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम 1 दे रखी है. अब मिनिमम के लिए देखिए, जब मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी जो सबको याद है इसको रिकॉल कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना. तो हमने क्या क्या दे रखा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, 1 दे रखा है, और ये वाली टर्म निकालनी है जो मैंने अंडरलाइन करी है, तो इसको x मान लेते हैं. ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये एक स्क्वायर टर्म है, और स्क्वायर टर्म का मैंने आपको बताया था, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि स्क्वायर टर्म जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है. कोई भी स्क्वायर टर्म ले लीजिए, उसको अगर अगर किसी भी टर्म कोई भी एक्स स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. सो ये वही चीज, मैं एक्स यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0. 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, तो 2x क्या आ गया, माइनस 1. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2. सो ये आपकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू. सो अब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. पहले टर्न में करना से थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन 29 सेज द इनइक्वालिटी log base 2 and the base 2 3x minus 1 upon 2 minus x is less than 1. Okay, so iske liye what we can do, we can write this 1 as log 2 base 2. ye sahi hai, isme koi dikkat nahi hai. Aur ab teen dono jagah hum anti log agar le lenge to ye equation kya ban jayegi, 3x minus 1 upon 2 minus x is less than 2, as simple as that. And we could even cross multiply that, 4 minus 2x, and if we just keep the like terms in one side, so this would become 5x is less than 5,
एंड विच वुड लीड टू एक्स इज लेस देन वन। और हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन लग रहा है और हम ऑप्शन डी पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे जो कि आपको देगा माइनस वन। ओके, माइनस वन देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो आपकी लिमिट आई है माई एक्स ग्रेटर देन वन बिल्कुल सही आया आपने जो कैलकुलेट करा है, लेकिन जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी एक्स लेस देन वन क्या वो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है इसमें पुट हो सकता है? हम मैं इसको दोबारा यहाँ पे बड़ा से लिखूं, 3x-1/2-x। अब x less than 1 में सारी वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज तो होंगी सारी सारी, और 0 से 1 के बीच की वैल्यूज होंगी। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं लॉग का ग्राफ बनाऊ, लॉग का ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है। लॉग का ग्राफ ये पॉइंट कौन होता है? 1 0, लॉग 1 0 होता है। लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, लॉग का ग्राफ ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये नेगेटिव वैल्यूज पे जाता ही नहीं है, तो लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इस जो मेरा सोल्यूशन आया एक्स लेस देन वन, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में एक्स लेस देन वन सपोज करो मैं एक्स को मैं लिख दू माइनस टू रख दू, तो ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाली इक्वेशन बन जाएगी लॉग टू, थ्री की जगह ये तो ये बन जाएगा माइनस सेवन। और ठीक है, तो लॉग और नीचे क्या बनेगा? नीचे बन जाएगा हमारा, हमने क्या लिया था 2 और माइनस 4 बन जाएगा 2-2 क्या? लेकिन क्या लॉग, अगर मैं लॉग माइनस 7 की बात करूंगा तो क्या लॉग माइनस 7 डिफाइंड है? इट इज नॉट डिफाइंड। तो मैं लॉग की नेगेटिव वैल्यूज तो मैं यहाँ पे ले ही नहीं सकता, तो मैं अब देखूंगा अब मेरा ऑप्शन कौन सा टैली कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं कर सकता इसका मैंने, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ए ऑप्शन, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है जो मैंने निकाला था कि एक्स लेस देन वन, और मैं सारी नेगेटिव वैल्यूज को भी इग्नोर कर चुका हूँ, तो x belongs to 1/3, 1 would be the answer. So option A आपका करेक्ट होगा और ये आपको अच्छे नंबर देगा। So सिर्फ जल्दबाजी में क्वेश्चन करने से आपको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा, यू नीड टू बी एक्यूरेट ऑल्सो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन डुएबल है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़ी सी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 0.7 की पावर, इट्स पावर में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है आपके पास, इज लेस देन 0.343। अब ये क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, 0.7 रेज टू द पावर 2x² - 3x + 4 इज लेस देन 0.7 की पावर 3। 7 का क्यूब 343 होता है, तो 0.7 का क्यूब क्या होगा? 0.343। Am I right? Yes. Okay? So इसके बाद अब आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप यहाँ पे लॉग लेते हैं, अब आप जिन लोगों का थोड़ा थोड़ा अच्छे हैं उस मैथ्स में तो फटाफट इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिनको थोड़ी क्लैरिटी नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। अगर हम लॉग दोनों साइड लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2x² - 3x + 4 log 0.7 = 3 log 0.7। ये स्टेप तो सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, मैंने ये पावर यहाँ बाहर आ गई, जैसी लॉग लिया यहाँ पे भी पावर बाहर आ गई। अब लेकिन अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि लॉग लॉग जो है 1 से 0, ये पॉइंट था 1, 0, और मतलब लॉग 1 पे वैल्यू 0 होती है लॉगरिथम फंक्शन की, और लॉग अगर मैं लॉग की बात करूं, लॉग अगर 0 से लेकर 1 तक की बीच की वैल्यू, मतलब 0 और 1 को एक्सक्लूड कर दूं मैं, तो उनकी जितनी भी बीच की वैल्यू है उसमें लॉग नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। देख लो आप ग्राफ को, देख लो ये वाला जो ग्राफ है ये हमें क्या नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, इसका मतलब लॉग 0.7 जो है ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर को अगर आप कैंसिल करते हैं किसी भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हुए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2x² - 3x + 4 > 3 बन जाएगा। सो ये बनेगा 2x² - 3x + 1 > 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्या बनेगा? 2x² - 2x - x + 1 > 0। ओके, सो 2x यहाँ से कॉमन लिया, x -1 कॉमन लिया, x - 1 > 0, सो x - 1 और यहाँ पे 2x - 1 > 0।
अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रही है, अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को जीरो के पुट करें और इस वाले एक्सप्रेशन को जीरो के पुट करें, तो एक्स के दो पॉइंट्स आ रहे हैं, वन और हाफ, है ना, वन और हाफ आ रहे हैं। अब अगर नंबर लाइन पे मैं देखूं, हाफ यहाँ पे रहेगा और वन यहाँ पे रहेगा। अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो पे चेक करता हूँ, तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये इस वाले इंटरवल में सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली चेक करोगे तो आप इस वाले इंटरवल में सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इस वाले इंटरवल में नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग हमारा जो फाइनल आंसर होगा, वो मैं ग्रीन पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या होगा हमारा बताइए, माइनस इन्फिनिटी से हाफ तक और यूनियन वन से हमारा इन्फिनिटी तक, वन से इन्फिनिटी तक। सो ये कौन सा हमारा ऑप्शन डी। सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड पोस्ट योर डाउट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।